बहुत शांत सा दिखने वाला ये ब्रह्मांड वास्तव में इतना शांत नहीं है जितना कि हमें लगता है। इसके विपरीत यहाँ कुछ न कुछ विध्वंसकारी होता ही रहता है, जो कि हमारी नजरों में नहीं आ पाता, और जो हमारी नजरों में आ पाता है उसके लिए हमारे आज के वैज्ञानिक इस आकाश में बरसों से अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। कई सालों तक ब्रह्मांड में मौजूद इन खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन कर चुके ये वैज्ञानिक उनके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, और एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से कैलकुलेशंस करके भविष्य में क्या होने वाला है जैसी सटीक भविष्यवाणी कर सकने में सक्षम हैं। और अब तक वैज्ञानिकों ने सूर्यमंडल से लेकर और भी बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं, जो कि सही साबित हुई हैं। तारों के टकराव जैसी घटना वास्तव में एक आश्चर्यजनक दुर्लभ चीज है। वैज्ञानिकों के कड़े अनुमानों के अनुसार ऐसी घटनाएं हमारी आकाशगंगा के गोलाकार समूह के भीतर हर 10,000 साल में एक बार होती है, और इंस्ट्रूमेंटेशन और तकनीक में चल रहे सुधारों की बदौलत हमारे वैज्ञानिक इस तरह के तारों में होने वाले विलय के बारे में अनुमान लगाने में सक्षम हो पाए हैं। ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन में केल्विन कॉलेज के शोधकर्ताओं की एक टीम के अध्ययन के अनुसार एक बाइनरी स्टार सिस्टम के साल 2022 में एक दूसरे में मर्ज होने की संभावना है। इस बाइनरी स्टार सिस्टम की खोज केपलर टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। खोजे जाने के बाद ये पता चला कि यह विलय करने की स्थिति में है, और तब से अब तक ये भविष्यवाणी विज्ञान जगत में काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। लेकिन हाल ही में 2018 में वैज्ञानिकों की आई एक रिपोर्ट ने इस भविष्यवाणी के नियत समय को लेकर सवालिया निशान लगा दिए। तो क्या वास्तव में ये भविष्यवाणी सटीक साबित होगी? सन 2018 में केल्विन कॉलेज के खगोल विज्ञानी और प्रोफेसर लैरी मॉलनार के द्वारा पहली बार किसी सुपरनोवा विस्फोट के घटित होने की भविष्यवाणी की गई थी। उनके अनुसार साल 2022 में एक स्टार सिस्टम KIC 983227 में सुपरनोवा विस्फोट होगा, जो कि पहले ही घटित हो चुका है। लेकिन 2022 की जनवरी में हम उसे नग्न आंखों से देख सकेंगे। हमारी पृथ्वी से लगभग 1800 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित KIC 983227 एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। दरअसल बाइनरी स्टार सिस्टम तारों का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो तारे होते हैं, और वो अपने सामान्य बैरियर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। इस बाइनरी स्टार सिस्टम के तारे 11 दिनों में एक दूसरे की परिक्रमा पूरी करते हैं। दो या दो से अधिक तारों के सिस्टम को मल्टीपल स्टार सिस्टम कहा जाता है। आमतौर पर एक बाइनरी स्टार सिस्टम में उज्ज्वल यानी तेज चमकने वाले सितारे को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी स्टार कहा जाता है। आकाश के सभी सितारों में लगभग आधे बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा हैं। कुछ बाइनरी सितारे एक दूसरे के इतने करीब से परिक्रमा करते हैं कि वे दोनों ही एक जैसे वातावरण का सामना करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बाइनरी सिस्टम का आकार कुछ कुछ मूंगफली के आकार जैसा लगता है। ब्रह्मांड में उपस्थित बाइनरी स्टार सिस्टम के कोई भी तारे आपस में टकरा सकते हैं, चाहे वो तारे जीवित हों या फिर अपने न्यूक्लियर फ्यूल यानी परमाणु ईंधन को खत्म करके अपने जीवन के अंतिम कगार पर हों। 25 अगस्त 2017 को लीगो के द्वारा कैच की गई GW170817 एक ऐसी ग्रेविटेशनल वेव का प्रमाण था, जो कि एक दूर की आकाशगंगा में दो न्यूट्रॉन सितारों के कॉलिजन के साथ जुड़े होने से जुड़ा हुआ था। यह पहला ऐसा टकराव था जिसे गुरुत्वाकर्षण विकिरण के माध्यम से देखा गया था। कुछ समय पहले तक तो खगोलविदों को यह भी नहीं पता था कि सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में टिमटिमाता हुआ यह बिंदु एक से अधिक तारे हैं। मॉलनार और उनके विद्यार्थी काफी सालों से 2013 के सिग्नस के आकाश के ऐसे तारे पर नजर रखे हुए थे जो कभी बहुत ज्यादा चमकीला और कभी बहुत ज्यादा धुंधला नजर आ रहा था। इसी तारे को ऑब्जर्व कर रहे अपाचे पॉइंट वेधशाला के खगोल वैज्ञानिक करेन किनिमुची, जो कि मॉलनार की टीम का हिस्सा थे। करेन किनिमुची ने एक ऑब्जर्वेशन में पाया कि वहां पर मौजूद तारे की चमक ब्लिप कर रही है। तब उन्होंने सोचा कि इस ब्लिप्स का मतलब ये भी हो सकता है कि यह एक तारा ना होकर दो तारे हों, जो कि समय समय पर एक दूसरे को ब्लॉटिंग कर रहे हैं। और काफी जांच के बाद ये पता चला कि वो मात्र एक तारा नहीं है, बल्कि एक कॉन्टैक्ट बाइनरी स्टार सिस्टम है। यह एक ऐसा बाइनरी सिस्टम होता है जिसके दोनों तारे एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब होते हैं कि दोनों एक ही वातावरण को शेयर करते हैं, जैसे कि एक मूंगफली में मौजूद दो दाने एक ही मूंगफली का छिलका शेयर करते हैं। उसी तरह ये तारे एक जैसा वातावरण शेयर करते हैं। और उसके बाद उन्होंने उनके कई ग्रहणों का अध्ययन किया,
और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बाइनरी स्टार सिस्टम में मौजूद दो तारों में से एक तारा हमारे सूर्यमंडल के देवता सूर्य से लगभग 40% बड़ा है और वहीं दूसरा तारा हमारे सूर्य के आकार का सिर्फ एक तिहाई ही है। केल्विन कॉलेज के खगोल विज्ञान के प्रोफेसर लैरी मॉलनार और उनकी टीम ने इस KIC 983-227 के 1999 से लेकर 2007 तक के एनालिसिस डेटा का गहन विश्लेषण किया और इस बाइनरी सिस्टम पर कड़ी नजर रखी और उसके बाद 2017 में मॉलनार की टीम एक रोमांचक नतीजे पर पहुंची कि ये दोनों तारे जो कि सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित KIC 983-227 बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा हैं, सन 2022 में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ये एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। ये एक बहुत बड़े और भयंकर विस्फोट को अंजाम देंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये विस्फोट बहुत ज्यादा चमकीला और उज्जवल होगा कि इसकी चमक 2 मैग्नीट्यूड की हो सकती है। और इतना ही नहीं, इस विलय को 6 महीनों तक देखा जा सकता है और इसके प्रकाश का प्रकोप इतना उज्जवल होगा कि यह रात के आकाश में सबसे चमकदार वस्तु बन जाएगा। मॉलनार और उनकी टीम इस नोवा के प्रभाव और इसके व्यवहार को अच्छी तरह से समझने के लिए सन 2008 में हुए एक अन्य बाइनरी स्टार सिस्टम जिसे V1309 स्कॉर्पियो कहते हैं के ऑब्जर्वेशन डेटा का गहन रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इस बाइनरी स्टार सिस्टम में भी दो तारों द्वारा एक ही वातावरण को शेयर करने वाला माहौल था और एक दूसरे की परिक्रमा करते करते समय के साथ साथ इन दोनों तारों का ऑर्बिटल पीरियड यानी कक्षीय अवधि कम होती गई और 2008 में वे अचानक टकरा गए थे। मॉलनार के अनुसार KIC 983-227 भी बिल्कुल ऐसे ही प्रक्रिया से गुजरेगा और जब वो टकराएंगे तो परिणाम स्वरूप एक प्रकार के तारकीय विस्फोट रेड नोवा में बदल जाएंगे। इस विस्फोट के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में अन्य अतिरिक्त गैस का भी उत्सर्जन करेंगे, जिसकी वजह से इसे एक लाल नोवा यानी रेड नोवा के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों तारे कम द्रव्यमान के हैं और इनका अपेक्षित मान बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ये रेड नोवा के रूप में दिखाई पड़ेगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह घटनाक्रम 2018 और 2020 के बीच होगा, लेकिन बाद में उन्होंने 2022 को होने का अनुमान लगाया। लेकिन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में 2018 को प्रकाशित एक नए अध्ययन में सैन डियागो स्टेट यूनिवर्सिटी में स्नातक छात्र क्वेंटिन सोसिया के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने मॉलनार की मूल भविष्यवाणी की छानबीन की। अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि योजनाबद्ध विस्फोट नहीं होगा, मतलब ये विस्फोट नियत समय पर नहीं होगा। मॉलनार की भविष्यवाणी सही है, इसको सत्यापित करने के लिए सोसिया और उनकी टीम ने 1999 से 2007 के ऑब्जर्वेशन डेटा का गहन अध्ययन किया। जब उन्होंने 1999 के आंकड़ों का वर्णन करने वाले पेपर का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया तो उन्होंने एक टाइपो की खोज की। टाइपो एक तरह प्रिंटेड और टाइपिंग मिस्टेक होती है और तब उन्होंने ये दावा किया कि ये विलय मॉलनार की गई भविष्यवाणी के नियत समय अनुसार नहीं होगा। इस विलय का होना तो तय है, लेकिन हो सकता है ये विलय मॉलनार की गई भविष्यवाणी के अनुसार ही हो या फिर कुछ समय और ले, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा।